दोस्तों कहते हैं, जब किसी व्यक्ति की सफलता किसी दूसरे व्यक्ति को हजम नहीं होती तो वो उस सफल व्यक्ति की सफलता को किस्मत का श्रेय देने लगता है। ऐसा अब तो कम होता है, लेकिन पहले बहुत हुआ करता था। दरअसल दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑटोमन एम्पायर की एक बेहद ताकतवर महिला के बारे में, जिसे हैटिस हलीमा हातून के नाम से जाना जाता है। इस महिला ने ऑटोमन की महिलाओं को उनकी पहचान दिलाने में मदद की थी, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए। औरतों की मदद की आड़ में हलीमा ने अपनी अय्याशियों और अपने क्रूर स्वभाव को बढ़ावा दिया था। कहते हैं कि अगर हलीमा को किसी भी एक बहादुर मर्द का साथ मिला होता तो वो आज ऑटोमन एम्पायर की सबसे नामी हस्ती होती। लेकिन बहुत सी अपनी गलतियों की वजह से उसने किसी को कुछ नहीं समझा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं हलीमा के बारे में। दोस्तों, हलीमा एक तुर्की राजकुमारी थी। उसके पिता इन्फांस डियार बे उस समय तुर्की के सुल्तान हुआ करते थे। कहने को तो वो एक तुर्की थे, लेकिन उन्हें अक्सर अपनी सल्तनत और अपनी बेटी के लिए डर लगा रहता था, क्योंकि हलीमा देखने में बहुत खूबसूरत थी। हलीमा के पिता चाहते थे कि वो हलीमा की शादी किसी ताकतवर राजा से कर दें, क्योंकि आए दिन कॉन्स्टेंटिनोपल और इंस्तांबुल से बड़े बड़े ताकतवर सुल्तान हलीमा के पिता पर जबरदस्ती का दबाव बनाते थे कि वो हलीमा की शादी उनके साथ कर दें। इन्फेंस डिया इन सब की सच्चाई को जानते थे कि वो कैसे कितनी सारी लड़कियों को अपने हरम में रखकर अपनी हवस बुझाते हैं। आपको एक बात और बता दें कि ऑटोमन एम्पायर में कोई भी तुर्क सुल्तान ज्यादा से ज्यादा 4 शादियां कर सकता था, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वो अपने मनोरंजन के लिए रखैल चाहे कितनी भी रख सकता था। इन्फेंस डियार नहीं चाहते थे कि उसकी लड़की किसी सुल्तान के हरम की रखैल बने। तभी उन्हें एंड्रीने के सुल्तान मुराद द्वितीय के बारे में पता चला। इन्फेंस डियार चाहते थे कि कैसे भी मुराद उसकी बेटी को एक बार देख ले। अगर मुराद एक बार उसकी बेटी को देख लेगा तो मुराद ही उसकी बेटी के लिए अपना रिश्ता लेकर आएगा। और ऐसा ही हुआ। 1425 में एंड्रीने में ये दोनों की शादी हो गई थी। इन्फेंस डियार ने आज तक अपनी बेटी को किसी के डर से ज्यादा बाहर निकलने नहीं दिया था, लेकिन हलीमा अपने पिता की तरह डरपोक नहीं थी। उसे लड़ाई झगड़े और खून खराबे बहुत पसंद थे। मुस्लिम त्योहारों के मौके पर हलीमा ही बड़े जानवरों को काटती थी। उसे ऊंट को काटना बहुत पसंद था। त्योहारों के समय वो अपने हाथों से ही ऊंट की कुर्बानी देती थी और उन्हें खुद ही अपने हाथों से काटती और पकाती थी। इतनी बहादुर और खूंखार होने के बाद भी इन्फेंस डियार डरते थे कि कहीं उनकी बेटी किसी क्रूर सुल्तान के हाथ ना लग जाए। मुराद से शादी के बाद हलीमा बिल्कुल खुल गई थी, क्योंकि उस महल में उसे कोई किसी काम के लिए मना नहीं करता था। वो जिस समय चाहती उस समय कसाई खाने में चली जाती थी। मुराद उसे इसलिए कुछ नहीं कहता था क्योंकि हलीमा का स्वभाव बहुत जिद्दी था। अगर उसने किसी काम के लिए ना कह दी तो फिर उस काम के लिए कोई हाँ नहीं कर सकता था। अगर हाँ करता तो उसका हाल जैसे कसाई खाने में ऊंट का होता था, बिल्कुल वैसा ही होता था। उसके कुछ हरकतों की वजह से मुराद को गुस्सा भी आ जाता था, क्योंकि मुराद जब भी शाम के समय अपने कक्ष में आता तो वह हलीमा के पास जाने की कोशिश करता तो हलीमा उसे मना कर देती थी। हलीमा उसे मना इसलिए करती थी क्योंकि हलीमा और मुराद की उम्र में करीब 26 साल का अंतर था और मुराद दिन भर अपने हरम में व्यस्त रहता था। हलीमा की उम्र उस समय करीब 24 साल थी और मुराद की उम्र उस समय 50 साल थी। हलीमा को उस समय भरपूर मात्रा में वो चीज नहीं मिल पा रही थी जो उसे चाहिए थी, इसलिए उसकी चिड़चिड़ाहट और गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ऑटोमन एम्पायर में मुराद पहला सुल्तान था जिसने अपने राज्य के सिपाहियों को अनातोलिया से बुलवाया था। ये सिपाही कोई आम सिपाही नहीं थे। इनके शरीर का कद करीब 7 फीट था और शरीर तो ऐसा था कि कोई सांड भी इनके आगे बच्चा लगे। और ये सारे सिपाही महल के उन कोनों पर ज्यादा तैनात रहते थे जहां पर कोई कीमती सामान होता था, इसलिए मुराद ने इन सिपाहियों की एक टुकड़ी अपने शाही कक्ष के बाहर भी पहरे के लिए रखी थी। मुराद वैसे तो दिन भर अपने आप को राज्य के कामों में और हरम में व्यस्त रखता, लेकिन शाम होते ही वो हलीमा के साथ रंगरलिया मनाने चला आता था। लेकिन हलीमा के शरीर की जब तृप्ति करने में मुराद पूरी तरह से नाकाम रहा और 24 साल की उम्र में उसे वो वैवाहिक सुख नहीं दे पाया तो हलीमा ने उसके साथ सोना ही बंद कर दिया था।
मुराद और हलीमा के बीच रोज अनबन होती थी और कक्ष के बाहर खड़े सिपाहियों को ये पूरी अनबन सुनाई देती थी। इस चीज को बखूबी वो समझते थे कि आखिर रोज रोज ये लड़ाई क्यों हो रही है। लेकिन जैसे ही हलीमा या फिर मुराद इन सिपाहियों के सामने से गुजरते थे तो सिपाही ऐसे बर्ताव करते थे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं हो। एक दिन शाम को कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ से एक पत्र आया कि मुराद को कॉन्स्टेंटिनोपल के महल में तुरंत अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के मुस्लिमों में आपस में ही एक गृह युद्ध छिड़ गया था जो कि एंड्रियन तक पहुंचने वाला था, लेकिन उसे अभी कॉन्स्टेंटिनोपल में ही रोक लिया गया था। इसलिए मुराद को रात के समय ही कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए निकलना पड़ा। मुराद, उसके 9 मंत्री और करीब 300 सैनिक कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए निकल पड़े। जमाने बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि हलीमा अपने कक्ष में अकेली थी। रात में करीब 2 बजे मुराद ने महल से रुखसत किया और हलीमा ने अपने कक्ष से रुखसत किया। कमरे से बाहर निकलते ही वहाँ खड़े 2 सिपाहियों ने उसके सामने सर झुकाया और पूछा कि आप इतनी रात में बाहर निकली हैं? अगर कोई काम हो तो बताइए। हलीमा की नजर उन सिपाहियों के सीने पर थी। वो उन दोनों को इतनी खतरनाक नजरों से देख रही थी कि मानो उन्हें अभी खा ही जाएगी। हालांकि सिपाहियों को भी पता था कि आखिर हलीमा को किस चीज की भूख है, लेकिन वो एक राजकुमारी थी इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने कुछ बोल सके। हलीमा बिना कुछ बोले ही कक्ष में चली गई और करीब 20 मिनट बाद फिर बाहर आई और सिपाहियों से कहा कि कक्ष में कुछ चूहों ने उसे परेशान कर दिया है, कृपया कक्ष में जाकर उन चूहों को मार दें। सिपाही भी हैरान थे कि बड़े बड़े ऊंटों को एक बार में मार देने वाली राजकुमारी आज चूहों के लिए हमारे पास आई है। खैर, उन्होंने कक्ष के अंदर प्रवेश किया और हर कोने में चूहे को ढूंढने लगे। ऐसा पहली बार हुआ था कि इस राज्य में सिपाही राजा के कक्ष के अंदर गए हों, वरना कभी किसी सिपाही की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो राजा के बुलाने पर भी कक्ष में आया हो। सिपाही चूहों को ढूंढने में व्यस्त थे, लेकिन चूहे तो तब मिलेंगे ना जब कमरे में चूहे हो। तभी सिपाहियों को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने दरवाजा बंद किया हो। उन्होंने उठकर देखा तो हलीमा बिना कपड़ों के खड़ी थी और सिपाहियों की तरफ देख रही थी। सिपाही भी समझ चुके थे कि उन्हें अब क्या करना है। उसके बाद रात भर हलीमा जो चाहती थी वही हुआ और करीब सुबह 6 बजे उसने दोनों सिपाहियों को कमरे से बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन ऐसा पहली बार था जब हलीमा शादी के बाद इतनी ज्यादा खुश थी। तभी दूसरे दिन कॉन्स्टेंटिनोपल से मुराद का एक पत्र हलीमा के लिए आया जिसमें लिखा था कि गृह युद्ध बढ़ने के कारण अब निकलना मुश्किल है और वो परेशान ना हो, उसे आने में कुछ दिन और लग जाएंगे। यह खबर सुनकर तो हलीमा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब तो रोज रात को हलीमा की रंगरलियां मनती थी। ये बात धीरे धीरे कुछ मंत्रियों को पता लगी तो उन्होंने रात में नजर रखी तो उन्हें पता चला कि ये बात सच है। हलीमा की खूबसूरती पर वैसे भी सब मर मिटे थे, बस एक राजकुमारी होने की वजह से कोई कुछ नहीं कहता था क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी थी। हलीमा ने भी वक्त की नजाकत समझी और मुराद के न होने पर पूरे राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। और ऐसा उसने मंत्रियों के समर्थन से किया क्योंकि उसे पता था कि इन मंत्रियों को उससे क्या चाहिए। उसने एंड्रीने के राज्य में हर मंत्री को खुश किया और जो बाद में उसके खिलाफ हुआ उसे कसाई खाने में ले जाकर किसी जानवर की तरह काट दिया। उसने अपने स्वार्थ के लिए हर उस मंत्री और सिपाही को मरवा दिया जो उसके खिलाफ हुए। कहते हैं कि उसने अपने पति को भी मरवा दिया था, लेकिन कुछ लेखों से ये भी पता चलता है कि सुल्तान की मौत गृह युद्ध में हो गई थी। अब तो केवल महल में 4 मंत्री बचे थे जो कि उसके समर्थन में थे और हलीमा उनसे ही राज्य का सारा काम करवाती और जब वो थक जाते तो रात में उनको अपने पास बुला लेती। दोस्तों, हलीमा चाहती थी कि वो एक हरम ऐसा तैयार करे जिसमें सिर्फ मर्द हो। हर प्यासी औरत के लिए वो हरम हमेशा खुला रहे, लेकिन ऑटोमन एम्पायर ने हमेशा से ही औरतों को गुलाम समझा है। उन्हें केवल एक वेश्या से ज्यादा कुछ भी नहीं समझा गया है। बता दें कि हलीमा ने मुराद के हरम की औरतों को अच्छा खाना और कपड़े की व्यवस्था कराई और साथ ही दूर देशों से मर्दों को पकड़ के लाने के लिए एक सेना भी तैयार की। लेकिन ये बात महल के कुछ सिपाहियों ने पूरे ऑटोमन एम्पायर में फैला दी थी जिसकी वजह से कुछ लोगों ने उसे एक साजिश के तहत मार दिया था। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसकी मौत यौन रोगों की वजह से हुई थी क्योंकि अपने पति के गृह युद्ध में जाने के बाद उसका ज्यादातर समय गलत चीजों में ही जाता था। दोस्तों, कहते हैं कि हलीमा ने एक और शादी की थी लेकिन इस शादी के बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं था और उसकी दूसरी शादी से एक लड़का था जो कि बाद में एंड्रीने का सुल्तान बना था, लेकिन राजगद्दी के लालच में उसे मरवा दिया गया था।
दोस्तों हलीमा ने ऑटोमन में लड़का लड़की एक समान नींव रखी थी और उसकी शुरुआत भी उसी ने ही की थी, लेकिन इस इनिशिएटिव को वो चला ना सकी और आगे चलकर ऑटोमन एम्पायर में इसी को लेकर भयानक युद्ध हुआ था। दोस्तों कुल मिलाकर बात करी जाए तो हलीमा ने कुछ काम अच्छे किए, लेकिन शादी के बाद पति से वैवाहिक सुख ना मिल पाने की वजह से उसने अपने आप को और अपने पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया और वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हलीमा की कहानी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।